कविता के मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। अगस्त क्रांति का महीना कहा जाता है। सारे विश्व में जितनी क्रांतियां हुई अगस्त के माह में हुई हैं, और हमारे यहाँ दो दिन बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। दो दिन पहले ही सही मैं आप सबको उन शहीदों की याद दिलाता हूँ और स्वतंत्रता दिवस की पहले ही बधाई देता हूँ और अपनी कविता शुरू करता हूँ। अपनी पुस्तक में लिखा है किसी अंग्रेज विद्वान, अपनी पुस्तक में लिखा है किसी अंग्रेज विद्वान ने, आधा नंगा फकीर जो जी रहा है हिंदुस्तान में, महात्मा गांधी जैसा मानव कभी धरती पर चला था, लोग विश्वास नहीं करेंगे एक शताब्दी के बाद। अपनी पुस्तक में लिखा है किसी अंग्रेज विद्वान ने, आधा नंगा फकीर जो जी रहा है हिंदुस्तान में, महात्मा गांधी जैसा मानव कभी धरती पर चला था, लोग विश्वास में नहीं करेंगे एक शताब्दी के बाद। मगर वो फिरंगी विद्वान आलम ये लगाना भूल गए थे हिसाब, महात्मा गांधी न मर सकेगा जब तक हिंदुस्तान है। महात्मा गांधी ना मर सकेगा जब तक हिंदुस्तान है। गांधी किसी परिवार का नाम नहीं है। गांधी, गंगा और तिरंगा हमारे देश की सबसे बड़ी संस्कृति की बपौती है और इस पर सब कुर्बान। क्यों नहीं मरेगा महात्मा गांधी? देखिए, किसी विशाल वट वृक्ष की छांव में पनपा नन्हा पौधा, किसी विशाल वट वृक्ष की छांव में पनपा नन्हा पौधा, उस विशाल वट वृक्ष के नष्ट होने पर खुद एक विशाल वृक्ष बन जाता है। एक गांधी आता है, एक गांधी जाता है, दूसरा गांधी आता है। वाह 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 वाह। किसी विशाल वट वृक्ष की छांव में पनपा नन्हा पौधा, उस विशाल वट वृक्ष के नष्ट होने पर खुद एक विशाल वृक्ष बन जाता है। एक गांधी जाता है, दूसरा गांधी आ जाता है। क्या कहने हैं नकुल साहब। वाह, अगली लाइन देखते हैं। रोज शहीद हो रहे हैं जवान हमारे इस सरहद पर, और पहले भी शहीद होते रहे हैं। उस लाइन को ध्यान करें कि जब स्वतंत्रता आंदोलन में एक झंडा हाथ से गिर जाता था, जमीन पर नहीं गिरता था, दूसरा हाथ उसे थाम लेता था, कि देश पर कुर्बानी के लिए शहीदों की न कमी रही है न रहेगी। कितनी मर जाओ, देश पर शहीद कुर्बानी के लिए न शहीदों की कमी रही है न रहेगी। अरे ये जमी हमें अपने जान से प्यारी है और प्यारी रहेगी, तभी तो इस देश पर राज करने वाली संसार के इतिहास के साथ साथ भूगोल बदल देने वाली, संसार के इतिहास के साथ साथ भूगोल बदल देने वाली एक भारतीय अवला भी कहेगी, अगर कहीं कभी मेरा खून बहेगा। इंदिरा गांधी के आखिरी शब्द। तभी तो इस देश पर राज करने वाली एक भारतीय अवला भी कहेगी, अगर कहीं कभी मेरा खून बहेगा तो मेरे खून का कतरा कतरा इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेगा। अब कोई फिरंगी हमारे देश की तरफ नजर उठाकर तो देखे, एक नहीं पूरा बंगाल ही सुभाष करेगा, एक नहीं पूरा बंगाल ही सुभाष। लाइन अंतिम है कि सरदार भगत सिंह जैसे सपूत को जन्म देने वाली, सरदार भगत सिंह जैसा पुत्र और पन्ना दहेज जैसी माँ संसार के किसी भी देश के इतिहास में नहीं है। कि सरदार भगत सिंह जैसे सपूत को जन्म देने वाली पंजाब और कश्मीर की धरती जल रही है, अपने ही बेटों की गोली से माँ की छाती छलनी हो रही है, अपने ही बेटों की गोली से माँ की छाती छलनी हो रही है। ऐसा नहीं अब कोई बिस्मिल्लाह आजाद नहीं, ऐसा नहीं अब कोई बिस्मिल्लाह आजाद नहीं। देश का हर नौजवान अलापता है अपनी उसी राग से, मगर सर नीचा करके कहने पड़ता है हमें घर को आग लग गई। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है त्यागी। ऐसा नहीं अब कोई बिस्मिल्लाह आजाद नहीं, ऐसा नहीं अब कोई बिस्मिल्लाह आजाद नहीं। देश का हर नौजवान अलापता है अब भी उसी राग से, मगर सर नीचा करके कहना पड़ता है हमें घर को आग लग गई घर की चिराग। अंतिम पंक्तियां हैं उनके लिए जो हमारे देश को चलाते हैं, हमारे भाग विधाता हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कि परस्पर एक दूसरे को मीर जाफर और जयचंद कहने वालों, क्या कहने एक दूसरे को मीर जाफर और जयचंद कहने वालों, जनता इतनी भोली नहीं है मगर अफसोस तो ये है और गनीमत भी कि वो अभी तक कुछ बोली नहीं।
क्या बात, परस्पर एक दूसरे को मीर जाफर और जयचंद कहने वालों, जनता इतनी भोली नहीं है, मगर अफसोस तो ये है और गनीमत भी कि उसके हाथ में गोली नहीं है। अगर कोई सैंडर्स का काम करेगा, उधम सिंह को बदते हुए देर नहीं लगेगी, मगर रोना तो ये रहेगा कि भाई के हाथों भाई की गर्दन कटेगी। जो फसाना बनाओगे बनेगा, मगर देश का हर नौजवान ये कहेगा, हिंदुस्तान मेरा देश महान, जो बटना था वो बट चुका, अब और नहीं बटेगा, अब और नहीं बटेगा। आप थे नकुल त्यागी साहब।